एवरीवन, वेलकम टू टीवी का पटाखा। वेल दोस्तों, आखिर क्यों अब शक की सुई? तनीषा शर्मा केस में शक की सुई शिजान खान से हटकर तनीषा की मां पर जा रही है। जी हां दोस्तों, आखिर क्या राज छुपे हुए हैं तनीषा की मां के इस केस के पीछे, बताएंगे आपको सब कुछ पूरे विस्तार से। लेकिन उससे पहले चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना अब बिल्कुल ना भूलें। वेल दोस्तों, तनीषा शर्मा के केस में एक और बड़ा ट्विस्ट आया है। सूत्रों के हवालों से खबर सामने आई है कि तनीषा की मॉम के एक और हस्बैंड है, यानी कि तनीषा के स्टेप फादर, जो कि तनीषा को बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। खबरों की माने तो तनीषा ने इस साल अपनी माँ को हैप्पी बर्थडे विश नहीं किया। हर साल अगर आपने तनीषा शर्मा का सोशल मीडिया अकाउंट देखा होगा तो आपको साफ तौर से नज़र आएगा कि तनीषा अपनी माँ को हर साल बहुत ही अच्छे तरीके से बर्थडे विश करती थी, और हर साल वो लोग जन्मदिन बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी माँ का बनाया करते थे। लेकिन दोस्तों, इस साल ऐसा नहीं हुआ। खबर है कि तनीषा के स्टेप फादर के साथ जो तनीषा की मॉम है वो हॉलिडे पर गई थी, और इसीलिए इस बात से तनीषा नाराज़ थी। खबरों की माने तो यहाँ तक सामने सच आया है कि तनीषा की मां ने ही खुद अपनी बेटी को मारने की कोशिश की हुई है, जिस वजह से लगातार अब शक की सुई तनीषा की मां के ऊपर जा रही है। क्या है पूरी सच्चाई, ये अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा ही पता चलेगा, जो कि आज यानी कि 30 दिसंबर को उनकी मां ने रखवाई है। वेल, ऐसे में अब तनीषा की मां के ऊपर सबकी निगाहें हैं, क्योंकि जिस तरह के खुलासे हो रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा दिल को दहला देने वाले हैं। क्या सच में तनीषा की मां ने ही अपनी बेटी को मारने की कोशिश की थी? शिजान मोहम्मद खान ने भी अपने स्टेटमेंट में इसी बात का जिक्र किया हुआ है। इस बात में कितनी सच्चाई है ये पता चलेगा आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तब तक के लिए जुड़े रहिए, अपने व्यूज़ हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना अब ना भूलें।